Reaction TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mere pyare investor bhai, assalamu alaikum. Reaction TV walon ka bahut bahut shukriya. Mere pyare bhai, maa aur behnon se main guzarish karta hoon ki aap log itmaan rakhein aur bharosa rakhein. ये रेपिस्ट के चक्कर में ना है, ये बहुत बड़ा झूठा और बहुत बड़ा मक्कार है और मक्कारी का काम कर रहा है। तो मेरी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखें, भरोसा रखें, इंशाल्लाह डॉक्टर नोहरा शेख आपका जल्द से जल्द रिहा हो जाए। और दूसरी चीज़, इतनी औरतें, इतने आदमी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एमआईएम से कि मेरे भाई, मेरी माँ और मेरी बहनों कि आप जो है हमारा साथ दें। आखिर क्यों मुसलमानों से इतनी दुश्मनी, क्यों आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप सामने नहीं आएंगे तो लोग यही कहेंगे, हम भी कहेंगे कि आप जो है मुसलमानों के रहबर नहीं हैं। तो लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी आपकी पर्सनल दुश्मनी है उसको आप छोड़ें और इन मुसलमानों का साथ दें। आज 2 लाख इन्वेस्टर, उसके पीछे परिवार 20 लाख अफराद आज परेशान हैं, रोडों पे निकल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं। तो आखिर क्यों मेरे भाई, आप क्या नहीं देखते हैं, क्या आप नहीं सुनते हैं? सब कुछ आप सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन क्यों आखिर मुसलमानों से इतनी बड़ी दुश्मनी, क्यों? चलिए ठीक है, आप मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग जो है बता देंगे कि इंशाल्लाह एमआईएम को छोड़ के आप किसी को भी वोट दें, और किसी को भी वोट दें लेकिन एमआईएम को वोट ना दें। क्योंकि आप जो है जब मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो हम लोग यही कहेंगे कि भाई एमआईएम को बायकॉट करें और एमआईएम का साथ छोड़ दें। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अभी वक्त है मेरे भाई, मुसलमानों का आप साथ दें। और मुसलमान आज बहुत परेशानी के हालात में हैं और 8-9 महीने गुजर चुके हैं और किसी के घर में फीस भरने की वो नहीं है। आखिर आप एक मुसलमान होके एक मुसलमान को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मदद करें और हेल्प करें हम मुसलमानों के साथ। आज वो आपके शहर की रिश्ते से बहन लगेगी या माँ लगेगी। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हम लोग को हेल्प करें और डॉक्टर नोहरा शेख आपा को बाहर निकालें, नहीं तो ये मुसलमान और परेशान हो जाएंगे और परेशानी का सामना करेंगे। इंशाल्लाह आप जो है इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं कि हीरा ग्रुप आप कंपनी बर्बाद हो जाए और हीरा ग्रुप आप कंपनी का पैसा हम लोग हड़प कर लें। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी और माँ और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये रेपिस्ट, ये बलात्कारी के चक्कर में ना आए। ये बहुत बड़ा झूठा और ये बहुत बड़ा मक्कार है और बहुत बड़ा फरेब है और ये फरेबी का काम करेगा। तो लिहाजा आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एमआईएम के दलाल से आप लोग दूर रहें, इसके बहकावे में ना आए। मेरे प्यारे भाई और माँ और बहनों, ये हमारा पैसा दिलाने का काम नहीं कर रहा है। लिहाजा ये अपने 10 करोड़ मान हानि का जो केस डॉक्टर नोहरा शेख आपा ने जो है इसके ऊपर केस किया था, वो आपा ने 10 करोड़ बचाने के चक्कर में ये हमें और आपको कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। तो आप लोग समझदार हैं और थोड़ा दिन सब्र करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।